नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट के डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जो मंडे को पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर उन स्टॉक को आप ट्रैक करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी बुलिश चल रहे हैं। और ऐसे भी कुछ स्टॉक की बात करेंगे जिसमें लोअर सर्किट लग रहा है, तो वो कहाँ तक रुकेगा, यानी कहाँ पे जाके रुकेगा या फिर कहाँ से टर्न होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला स्टॉक है वो है अपोलो टायर लिमिटेड। इस शेयर की बात किया जाए तो ये शेयर अपना नया 52 वीक हाई बना रहा है, यानी कि ग्रोथ तो बहुत तगड़ी है इस शेयर में। तो ये शेयर कहाँ तक जाकर रुकेगा, यानी अगर आपको खरीदारी करनी है तो क्या अभी खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें 5.26% की तेज़ी देखने को मिली। और आप देखेंगे 27 नवंबर 2020 को ये अपना नया 52 वीक हाई भी बनाया 185.50 का, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर 52 वीक लो की बात करते हैं तो 73.40 रुपये तक ये शेयर गिर चुका था, जो कि मार्च में गिरा था 24 मार्च को, यानी कि जब मार्केट क्रैश हुआ था उस दिन ये अपना लो बना रहा था। तो अगर बात किया जाए क्वांटिटी ट्रेडेड की, यानी कितना ट्रेड हुआ है और कितने उसमें से डिलीवरी उठाई गई है, तो दोस्तों जितना भी क्वांटिटी ट्रेड हुआ है उसमें से डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ 15.5% उठाया गया है, यानी कि लोग बुलिश तो हैं इस शेयर को लेकर, लेकिन डिलीवरी बेस पे नहीं उठा रहे हैं, इसमें क्वांटिटी काफ़ी ट्रेड हो रही है। तो इस शेयर को अगर आपको ख़रीदना है तो चलिए चार्ट पे बात कर लेते हैं। पहले चार्ट देख लेते हैं इनका कि चार्ट क्या कहता है। तो चार्ट के अनुसार देखा जाए तो दोस्तों ये शेयर काफ़ी बुलिश चल रहा है और इस शेयर में कंटिन्यू यानी काफ़ी तेज़ी ही देखने को मिली। थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा करेक्ट होता है, उसके बाद फिर सडन ऊपर ही जाने लगता है, यानी कि ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। और जिस हिसाब से मार्केट में इनकी डिमांड है, क्योंकि अगर आप मार्केट में घुसकर बेस पे देखेंगे तो बेस में इस शेयर की काफ़ी डिमांड है, यानी इनकी क्वालिटी की, यानी जो इनका प्रोडक्ट है उसकी इतनी डिमांड है, इसलिए ये शेयर तेज़ी से ऊपर ग्रोथ कर रहा है। तो फ्यूचर क्या हो सकता है इस शेयर में, तो फ्यूचर तो काफ़ी अच्छा है। ये शेयर आपको 250-300 रुपये तक भी नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो इस शेयर को आप कंसीडर कर सकते हैं। और शेयर काफ़ी अच्छा है और जिस हिसाब से इसमें बुलिश कैंडल भी बन रहे हैं तो ये शेयर और ऊपर जाएगा। तो इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो पे आप जगह दे सकते हैं, नहीं तो वॉच लिस्ट में रख कर इसको ट्रैक तो ज़रूर कर सकते हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। स्टॉप लॉस की बात करें तो 5 दिनों का EMA जो है 179.93 का, उस पर आप स्टॉप लॉस लगाकर इस शेयर में प्ले कर सकते हैं, शेयर काफ़ी अच्छा है। तो नेक्स्ट अगर स्टॉक की बात कर लें तो एक्साइड इंडस्ट्री, दोस्तों ये पता होगा कि ये मार्केट लीडर भी है, तो उस हिसाब से इस शेयर का भागना बनता भी है और इसको ट्रैक करना भी बनता है, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से इसमें ग्रोथ आ रही है तो आप देख सकते हैं ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 6.05% तक भाग चुका है, यानी 6% की तेज़ी, नॉट बैड। अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 208.25 रुपये है, जो कि जनवरी में, यानी 27 जनवरी को ये बना रहा था, उसके बाद आपको पता होगा मार्केट क्रैश हुआ, सारे शेयर गिरे थे, तो ये अपना लो बनाया 124.70 रुपये का, जो कि 19 मार्च को बनाया। क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो डिलीवरी उठाई गई है 39.41% का, काफ़ी अच्छी बात है। अगर 20% से भी ऊपर डिलीवरी उठाती जाती है तो उसे बैड नहीं मान सकते, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर क्वांटिटी की बात कर लेते हैं जो कि डिलीवरी उठाई गई है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 70 लाख से ज़्यादा की क्वांटिटी ट्रेड उठाई गई है, 70 लाख। तो दोस्तों डिलीवरी के हिसाब से ये शेयर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए चार्ट पे कुछ डिटेल इनके देख लेते हैं कि चार्ट क्या कहता है। तो चार्ट आ चुका है और चार्ट पे डिटेल इनका अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, और जिस हिसाब से इस शेयर में तेज़ी आई, थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा करेक्ट होता है, उसके बाद फिर तेज़ी पकड़ लेता है, यानी कि थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं करेक्शन होने के बाद शेयर ऊपर जा रहा है, और ये काफ़ी अच्छी बात भी, काफ़ी हेल्दी करेक्शन होता है, क्योंकि काफ़ी हेल्दी तेज़ी भी कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई शेयर सिर्फ ऊपर जाता है तो थोड़ी सी उसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन जब भी कोई शेयर ऊपर जाने का थोड़ा सा करेक्ट होकर फिर ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि वो शेयर रियल में ऊपर ही जाना चाहता है। और जिस हिसाब से इनका चार्ट पैटर्न बना है तो ये शेयर और ऊपर जाएगा, हो सकता है बीच में आपको छोटे मोटे करेक्शन भी देखने को मिले, लेकिन उससे घबराना नहीं है, उसमें शेयर आप उठा सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 179.29, यानी कि जो 5 दिनों का इनका EMA है उसी पर स्टॉप लॉस लगाकर आप इस शेयर में प्ले कर सकते हैं। और जिस हिसाब से पूरी बैटरी इंडस्ट्री की शेयर भागे थे, ये तो मार्केट लीडर है, तो इसका तो और ऊपर जाना चलता भी है। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है यस बैंक लिमिटेड, दोस्तों ये शेयर हमेशा से न्यूज़ में ही रहा है। जब ये शेयर भाग रहा था ऊपर साइड में, 400-500 बना रहा था,
तभी ये न्यूज़ में था, और उसके बाद अभी यानी कि जब ये क्रैश हुआ उसके बाद इसमें फ्रॉड वगैरह हुए तब भी ये शेयर न्यूज़ में ही है, और ये हमेशा न्यूज़ में चलता भी है। तो इनके 52 वीक हाई की बात कर लें तो 87.30 का है, जो कि 18 मार्च को बनाया था, जबकि 52 वीक लो की बात करें तो 5.65 रुपये है, जो कि इसने बनाया था 6 मार्च को वहीं। और क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, जो डिलीवरी उठाई गई है तो 71.87% की डिलीवरी उठाई गई है। अगर क्वांटिटी की बात कर लेते हैं तो 78,70,00,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी उठाई गई है। यानी दोस्तों इतना बुलिश क्यों है लोग इस शेयर को लेकर, और अभी भी ये शेयर अपर सर्किट पे चल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और जिस हिसाब से इसमें न्यूज़ आ रहे हैं तो दोस्तों दो बड़े न्यूज़ भी आए थे कि कुछ इनका ज़मीन उमीन का भी लफड़ा चल रहा था, वो भी इनके पक्ष में अगर उसका भी ऑर्डर आया हुआ है कोर्ट की तरफ से, यानी उसके भी अच्छे खासे डिमांड इनकी मिल जाएगी। तो ये शेयर अगर टारगेट की बात कर लें तो पहले चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट क्या कहता है। दोस्तों चार्ट के पे आ चुके हैं और चार्ट इस टाइम 14.70 रुपये पे चल रहा है, और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई है इस शेयर में। तो इनका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, तो नेक्स्ट टारगेट 16 रुपये का है, जो कि आप देख सकते हैं 100 दिनों का ईएमए है 16.25 रुपये का, और इसका नेक्स्ट टारगेट भी वही होगा। अगर उसके ऊपर जाके क्लोज होता है तो 20 रुपये का आपको टारगेट देखने को मिलेगा, यानी कि जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है वो इनका नेक्स्ट टारगेट होगा 21.91 रुपये का। अगर वो लेवल टूटता है तो दोस्तों ये शेयर 25 रुपये तक भी जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी एक पैनी शेयर की तरह चल रहा है, तो इसमें भी उतने ही पैसे इंक्लूड करिए जितना आप अगर फंस जाता है, क्योंकि इसमें लोअर सर्किट भी लगेगा ऊपर जाकर। अगर कोई जो आज ख़रीदा है यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिन्होंने भी ख़रीदा है वो इस शेयर को ऊपर जाकर बेचेंगे भी, तो ज़रूर अवेयर रहिए। बहुत ज़्यादा इसमें ट्रस्ट नहीं करना कि अब इसमें तेज़ी आ गई अभी ये 100-200 फिर जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 20 रुपये के जैसे ऊपर ये निकलेगा तो इसमें फिर से सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बुकिंग ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इस शेयर से ज़रूर अवेयर रहिए, उसी के साथ आप इसमें ट्रेड करिए। तो नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं तो सिटी यूनियन बैंक। दोस्तों ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 7.5% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाया है। अगर 52 वीक हाई की बात कर लें तो 250 रुपये के आसपास का है, जो कि 16 जनवरी को इसने बनाया था। 52 वीक लो 110 का है, जो कि 7 अप्रैल को बना था। क्वांटिटी ट्रेड की बात कर लेते हैं परसेंटेज में, तो आप देखेंगे 51.45% की क्वांटिटी उठाई गई है डिलीवरी बेस में, ये काफ़ी अच्छा बात है किसी शेयर के लिए। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं। तो चार्ट की बात किया जाए तो चार्ट काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा था, यानी काफ़ी तेज़ी से ये ऊपर की तरफ भाग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा करेक्शन आया इस शेयर में और ये शेयर थोड़ा सा करेक्ट होकर फिर से एक बुलिश चार्ट बना रहा है, बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। तो इस शेयर के साथ क्या किया जा सकता है, तो दोस्तों इस शेयर को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जो इनका स्टॉप लॉस होगा 182.60 रुपये का, उस पर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाकर तभी इस शेयर में आप प्ले करिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है विकास मल्टीकॉप। दोस्तों ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ये ऊपर गया, 10 रुपये का टारगेट टच किया, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। जब ये 7.5-6 रुपये पर चल रहा था तभी मैंने आपको 10 का टारगेट बता दिया था, 10 का टारगेट इसने टच भी किया, उसके ऊपर भी गया, यानी 10.70 रुपये तक गया था। उसके बाद इसमें करेक्शन आना स्टार्ट हो गया, बहुत से लोगों ने माल बेचा और अब ये शेयर लोअर सर्किट पर चल रहा है। अगर डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी आप देख सकते हैं 99.67% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि जो भी क्वांटिटी ट्रेड हो रहा है सब के सब डिलीवरी बेस पे लोग उठा रहे हैं, और जिसे आपसे लोअर सर्किट लग रहा है तो कोई बेस तो सकता नहीं है। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग इस बुलिश हैं, यानी कि लोअर सर्किट लग रहा है उसके बावजूद इतनी ज़्यादा खरीदारी हो रही है, 75,00,000 से ज़्यादा की खरीदारी हुई है। तो आप यकीन मान सकते हैं कि ये शेयर फिर से बाउंस बैक करेगा, कब करेगा उसको चार्ट पे देख लेते हैं। चार्ट पे अगर डिटेल देखें तो इनका जो 200 दिनों का ईएमए है वो है 7.47 रुपये पे, और हो सकता है वहाँ से ये बाउंस बैक करे, और 100% ये भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है वहाँ के भी और नीचे जाए और फिर से 6 रुपये के रेंज में ये शेयर आ जाए, तो क्या हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों ये शेयर में जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 7-7.5 रुपये पे एक बार सपोर्ट लेगा, हो सकता है सपोर्ट लेने के बाद थोड़ी कुछ ट्रेडिंग हो उसके बाद फिर ये नीचे आ सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि 100% नीचे आए, क्योंकि दोस्तों टेक्निकली जो व्यू करता है वो मैं बता रहा कि 7.5 रुपये यानी 7.47 रुपये दो जो कि इनका 200 दिनों का मूविंग ईएमए है वहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है, वहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है, नहीं तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज 6.51 रुपये है वहाँ पे इस शेयर को रुकना ही चाहिए। अगर नहीं रुकता तो बहुत बड़ा इसमें क्रैश आ सकता है, ये 5 रुपये के नीचे भी जा सकता है।
और अगर वहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर से ये 8 रुपये के ऊपर जाएगा और हो सकता है कि ये फिर से 10 रुपये और जल्दी ही 10 रुपये का भी रेंज टच कर लेगा, क्योंकि शेयर में बहुत बड़ी गिरावट आई इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची गई है और कुछ खास पैनिक नहीं है इस शेयर में, तो ये फिर से 10 रुपये तक जाएगा। लेकिन हाँ, इस बार थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जिस हिसाब से ये शेयर में एक साथ 3.5 लाख से ज़्यादा शेयर बेचे गए हैं इसलिए थोड़ा सा पैनिक आ गया है, बहुत लोग एग्जिट करना चाहते हैं इसलिए ये शेयर कंटिन्यूसली गिर रहा है। लेकिन हाँ, ये फिर से मूविंग बाउंस बैक करेगा लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, ये जो भी शेयर थे अब इनको इंक्लूड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, अदरवाइज़ आप अपने वॉच लिस्ट में इंक्लूड करिए ताकि आप इसको ट्रैक कर पाएँ। तो दोस्तों, अगर कोई भी यानी इन शेयर्स के या फिर इनके अलावा किसी भी शेयर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।